Hey guys, welcome back to my channel All in One with Ekta. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बालों को घर पे स्ट्रेट कैसे कर सकते हो विदाउट कोई मनी यूज किए हुए. तो हम लोग पार्लर जाते हैं और अपने बालों को स्ट्रेट करवाते हैं और बहुत सारे पैसे भी पड़ते हैं उनको. तो आप ये सब बिल्कुल मत करो. आप थोड़े से पैसे में एक स्ट्रेटनर यूज कर सकते हो, उसको परचेज करो. अपने घर पे कैसे यूज करोगे मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने जो स्ट्रेटनर यूज किया है वो फिलिप्स की है और इसके सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. आप वहां से चेकआउट कर सकते हो और आपको लेना हो तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूज करना है. और स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करेगा. बगल में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊ सबसे पहले आपके पास नोटिफाइड. चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइनली जो हेयर वॉश के बाद मेरे जो बालों का लुक होता है कुछ इस तरह का आपको दिखेगा. मेरे जो हेयर है हल्के से वेवी है. जब भी मैं हेयर वॉश या कंडीशनिंग करती हूँ तो मेरे बाल कुछ इस तरह के आपको दिखाई देंगे. जब भी मैं कोई स्ट्रेटनर यूज करती हूँ तो मैं इस मेथड का जरूर अप्लाई करती हूँ ताकि मेरे बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे जो बाल है बिल्कुल भी डैमेज ना हो. यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से रिटेंगल कर लूंगी क्योंकि रिटेंगल करने सबसे पहले आपको जरूरी है इस मेथड के लिए. रिटेंगल करने से आपके बालों में जितनी भी नॉट्स वगैरह है वो अच्छे से हट जाती हैं और आपके बाल काफी क्लीन हो जाते हैं. मैं यहाँ पे यूज करूंगी लिवॉन सीरम. लिवॉन सीरम जो होता है आपके बालों को बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देता है. आपके बालों में सन की वजह से जो भी प्रॉब्लम आती है उससे भी आपको ये प्रोटेक्ट करता है. ये आपके बालों को लाइटनिंग भी देता है और बहुत ही अच्छे से आपके बाल अगर उलझे हुए हैं तो उसको भी बहुत ही अच्छे से ये हटा देता है. यहाँ मैं 2 या 3 ड्रॉप्स लूंगी अपने हाथों पे और उसको इवनली अप्लाई करूंगी अपने पूरे हेयर पे. तो आपको कुछ इस तरह से कुछ ड्रॉप्स अपने हाथों पे लेके उसको अपने पूरे हेयर पे अप्लाई कर लेना है ताकि आप जब भी कोई टूल्स वगैरह यूज करो तो आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, या फिर आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज ना करे और आपके जो हेयर है वो बिल्कुल भी अच्छे से रहे. तो यहाँ पे मैं अपने बालों को अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करके अब हल्का सा कॉम करूंगी क्योंकि जब भी आप कोई भी इस तरह का मेथड यूज करो तो आप अपने बालों को कॉम जरूर करें. हर लड़की को अपने बालों से बहुत प्यार होता है. मुझे अपने बालों से बहुत प्यार है तो मैं इस तरह की कोई भी बेवकूफी नहीं करूंगी जिसकी वजह से मेरे हेयर डैमेज हो. तो आप भी बिल्कुल भी ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करो जिसके वजह से आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम आए. तो मैं जो मेथड आप लोगों को बता रही हूँ जरूर अप्लाई करना और ये 100% वर्क करता है. तो यहाँ पे मैं अपने बालों को रिटेंगल करने के बाद 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लूंगी. हेयर स्ट्रेटनिंग करने के लिए आपको अपने बालों को डिवाइड कर लेना होगा क्योंकि जब भी आप कोई भी हेयर को स्ट्रेट करो तो दूसरे जो पार्ट होते हैं वो आपको प्रॉब्लम ना दे. तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ और सेकेंड वाले जो पार्ट है उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी और 1 पार्ट को मैं यहाँ पे क्लचर की हेल्प से सिक्योर कर लूंगी ताकि मैं जो पार्ट स्ट्रेट करूँ उसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना आए. तो जिस तरह से आपको अपने बालों को अच्छे से डिवाइड करते हुए सिक्योर कर लेना है पिन की हेल्प से. अब जो पार्ट है मैं उसको अच्छे से रिटेंगल कर लूंगी. और आपको जब भी कोई स्ट्रेटनर यूज करना है, अपने बालों को स्ट्रेट करना है, तो आप रिटेंगलिंग या फिर कॉम्बिंग का प्रोसेस करते जाओगे क्योंकि जब आप ऐसे हर बाल पे करोगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है स्ट्रेट और बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा. करते जाओगे आपके बीच के जो बाल हैं वो उलझे रहेंगे और हल्के से बाल स्ट्रेट होते हैं, कुछ बाल स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं. तो जब भी आप स्ट्रेटनर यूज करो तो आप बालों को कॉम करोगे, जो भी पार्ट आप लोगे उसको पहले कॉम करोगे, फिर उसको रिटेंगल अच्छे से कर लोगे अच्छे से, तब आप अप्लाई करोगे. तो कुछ इस तरह का आपको हेयर स्ट्रेटनर यूज करना है और हल्के हल्के पार्ट लेके ही आपको इस मेथड को अप्लाई करना है. आप एक बार में बहुत सारे बाल लेके स्ट्रेट करोगे तो बिल्कुल भी नहीं होता है, कुछ समय बाद वो बिल्कुल भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे आपके हेयर पहले होते हैं. तो यहाँ पे बस छोटे छोटे पार्ट लेके मैं इस तरह से स्ट्रेट करती जाऊंगी और यही मेथड आपको रिपीट एंड रिपीट अप्लाई करते जाना है. हेयर स्ट्रेटनिंग में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है हेयर की, जिसकी वजह से आपके बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं. तो आपको रेगुलर यूज नहीं करना है या फिर आपको जब भी ओकेजनली यूज करना है, जब भी आप चाहो तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हो.
आपके पास अगर एलिवॉन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। एलोवेरा जेल भी हमारे हेयर को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रॉब्लम से, तो आप यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो। या फिर आप लिवॉन सिरप यूज करोगे तो आप उससे पहले अपने बालों पे थोड़ी सी क्वांटिटी लेके यूज करके देख लो कि आपके बालों पे वो वर्क करता है या नहीं, क्योंकि तो जरूरी नहीं है कि जो बाल जो चीज मेरे बालों पे वर्क करे वो आपके बालों पे भी करे। तो आप पहले अपने आप पे एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप कोई भी चीज अप्लाई करो अपने बालों पे। मैंने अपने एक पार्ट को अच्छे से स्ट्रेट कर लिया है तो आपको फर्क दिखाई देगा। यहाँ पे मेरे हेयर के दोनों पार्ट में आपको दिखाई देगा कि मेरे बाल कितने अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेट हो गए हैं। तो अब जो पार्ट बचे हैं उसको भी मैं अच्छे से सिक्योर कर लूँगी और हल्के से पार्टों में मैं स्ट्रेटनिंग करूँगी। यहाँ पे फिर से आपको रिटेंगल करना है अपने बालों को और कॉम्बिंग प्रोसेस करते जाना है। देन हल्के हल्के पार्टीशन में आपको लेते जाना है और पूरे बाल को अच्छे से यहाँ पे मैं स्ट्रेट करती जाऊंगी और आपको भी सेम मेथड अप्लाई करते जाना है। अब यहाँ बहुत सारे लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि कितने दिनों तक ये मेरे हेयर स्ट्रेट रहेंगे। तो आपके हेयर एक्चुअली 3 या 4 डेज तक तो जरूर स्ट्रेट रहेंगे, क्योंकि ये हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोसेस 3 या 4 डेज तक तो आराम से चल जाती है। अगर आप हेयर वॉश नहीं करते हो तो 1 वीक तक चल जाएगी आपकी हेयर स्ट्रेटनिंग, जो आप कर रहे हो वो 1 वीक आराम से चल जाएगी। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे आपको सैलून जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप वीक में एक बार स्ट्रेटनर यूज़ कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पैसे लगाओ और हमेशा के लिए अपने बालों को जैसे भी लुक देना चाहते हो उस तरह का आप लुक दे सकते हो। तो मैं तो यही प्रिफर करूँगी कि आप प्लीज सैलून में पैसे मत फंसाओ और आप अपने घर पे भी स्ट्रेटनर यूज कर सकते हो। तो आप इस तरह से आप यूज करोगे, बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मैं यहाँ पे जो भी बाल अब रिटेंगल नहीं की हूँ उसको अच्छे से रिटेंगल करके उस पे भी स्ट्रेटनर यूज कर लूंगी और आपको दिखाई देगा हल्का सा फर्क, आपको लगेगा कि हाँ स्ट्रेटनर अच्छे से यूज हुआ है। तो मैं कुछ अब फ्रंट एरिया के जो भी बाल हैं तो अच्छे से अब स्ट्रेट कर दी जाऊंगी। तो आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हो, मैंने अपने हाफ पार्ट पे स्ट्रेटनर यूज किया है हेयर के और सेकेंड पार्ट पे अभी यूज नहीं है। तो आप देख लो कितना फर्क है, आप कितने अच्छे से अपने घर पे आराम से कर सकते हो। किसी भी स्ट्रेटनर की यूज से आप अच्छे से बालों को स्ट्रेट कर सकते हो। तो अब मैं सेकेंड वाले पार्ट पे भी कुछ इसी तरह से रिपीट मेथड अप्लाई करूंगी और सेम प्रोसेस मैं करती जाऊंगी। आपको भी सेम वैसे ही हाफ पार्ट को फिर से सिक्योर कर लेना है क्लसर की हेल्प से, ताकि जब भी आप जो बचे हुए पार्ट्स है उसमें हेयर स्ट्रेटर यूज करो तो आपको ये जो बाल है वो प्रॉब्लम ना दे और आप अपने बालों को अच्छे से स्ट्रेट कर पाओ। तो हल्के से पार्ट मैं डिवाइड कर लूंगी और फिर मैं उसको अच्छे से रिटेंगल कर लूंगी और रिटेंगल करने के बाद थोड़े थोड़े पार्ट लेके मैं वहाँ पे स्ट्रेटनर यूज करूंगी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को स्ट्रेटनर के बारे में अच्छे से बता दूँ, जो स्ट्रेटनर मैं यूज कर रही हूँ वो है फिलिप्स की स्ट्रेटनर, जो काफी अच्छा वर्क कर रही है। लगभग 6 महीने से मैं इसको यूज कर रही हूँ और कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं है। यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑन ऑफ का बटन और ये कुछ इस तरह का आपको वर्क करता है। और यहाँ पे आपको लाइट मिल, जब आप लगाओगे प्लग में तो यहाँ पे लाइट जलती है और आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, अच्छे से आपके बालों को स्ट्रेट कर देता है। जिस तरह से आपको रिपीट मेथड अप्लाई करते जाना है अपने बालों पे और जब भी आप हेयर स्ट्रेटनर यूज करो अपने बालों को स्ट्रेट करो तो हल्का धीरे धीरे करो, क्योंकि आप जल्दीबाजी में नो जल्दी से ऐसे करते चले जाओगे स्ट्रेट करोगे तो बिल्कुल भी स्ट्रेट नहीं होगा। आप थोड़ा सा टाइम दो और अच्छे से करो और बिल्कुल भी अपने गीले बालों पर कभी भी स्ट्रेटनर यूज मत करना। जब भी आपके बाल सूख जाए तभी इसको यूज करो इस टूल को, क्योंकि आप जब गीले बालों पर यूज करोगे तो ये आपके बालों को डैमेज कर सकता है। मैं यहाँ पे हल्के हल्के पार्टीशन करते हुए स्ट्रेटनर यूज करते जा रही हूँ और मैं अपने बालों को काफी अच्छे से स्ट्रेट कर रही हूँ। आप लोगों को दिखाई देगा कितना अच्छा वर्क कर रहा है। सेम मेथड आपको रिपीट एंड रिपीट बस करते जाना है और बस आपको कोई भी
प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप अच्छे से विद इन 30 मिनट्स के अप्रॉक्स आपको अच्छे से हो जाते हैं ये वर्क। आपको कुछ इस तरह से अपने हाफ पार्ट पे भी स्ट्रेटनर यूज कर लेना है और जो बचे हुए पार्ट है मैं उसको भी अब अच्छे से स्ट्रेट कर लूंगी, तो आपको फर्क दिखेगा। मैंने यहाँ पे बहुत जल्दी में आपको वीडियो बनाया है और इसलिए मैं कुछ अच्छे से ज़्यादा नहीं कर पाई, लेकिन बिलीव में ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा कि हाँ सच में ये मेरे बालों को स्ट्रेट कर दिया है। तो अब जो बचे हुए बाल हैं वो भी मैं स्ट्रेट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से आपको वो भी कर लेना है, सेम प्रोसेस अप्लाई करते जाना है और अपने बालों को स्ट्रेट करते जाना है। अगर आप एलोवेरा जेल यूज करोगे यहाँ पे लिबोन की जगह पे, तो आपको एलोवेरा जेल को हर पार्टीशन में यूज करना होगा और हर पार्टीशन में आपको अप्लाई करते हुए अपने बालों को स्ट्रेट करना होगा। मैं उसका मेथड भी यूज करके आप लोग को स्ट्रेट करना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले मैं इस सीरम का यूज करके आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी हेल्प मिले कि आप किसी सीरम का यूज करके भी हेयर स्ट्रेटनर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि आप सीरम का यूज नहीं करो और स्ट्रेट कैस करोगे, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फाइनली मैंने अपने पूरे बालों को कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।